बोल तुमी सी बोल सोरिये, मेरा नाम तो गोवर्धन पंडित हुआ, मिट्टी है अलमोल सोरिये, हम यही मिट्टी का काम करते हैं। मिट्टी हम लोग खरीदते हैं, खरीद के रख लेते हैं एक साल के केवर, उसी में साल भर चलाते हैं। पहले था कि हम लोग गंगटा पोखर है ना, वहाँ से मट्टी ढो के लाते थे। उसके बाद अब वहाँ जब नहीं लिए नहीं दिया मट्टी, तब अब गाड़ी से गिराते हैं, गाड़ी से गिराते थे, वहाँ से ला करके यहाँ रोड पे गाड़ी वाला उल्टा के चला जाता है, उसके बाद मट्टी हम लोग अंदर करते हैं, अंदर में फिर कोड़ कर उसको पहले सुखाते हैं, सुखा करके फिर फुलाते हैं, फुला करके वहाँ से सान करके यहाँ लाते हैं। यहाँ फिर चिरना से चीर करके फिर सानते हैं, फिर सान करके और फिर तख्ता पर तरथी ऐसे ऐसे दे करके उसको कंकड़ पत्थर चुनते हैं, फिर गोल गोल बनाते हैं, गोल गोल बना करके रखते हैं, उसके बाद जो है ना चाक पे बैठा करके बनाता है। इसी मिट्टी का विशेषता है कि मिट्टी का बर्तन मैंने इसमें कुछ रहता नहीं है, जैसे घास वगैरह गंगट लठापन रहता है, नो बेसी लट्ठा नो कम लट्ठा, मीडियम में से रहता है। पहले हम लोग लाते थे तब तो मिलता कि दो मिट्टी ना, 20 साल से खरीदते हैं। सभी मिट्टी तरह तरह की होती है, जैसे हर मिट्टी तो वैसी नहीं होती, जैसे कि हम कुछ भी कोई भी मिट्टी ले लिया और उसके बर्तन बनाने शुरू कर दिए तो वो बनेगी नहीं, क्योंकि हमारी मिट्टी में अलग ही खासियत होती है, उसमें अलग ही तरह की लट्ठापन होती है जिस कारण से हमारे सामान चिपक पाते हैं और चिपकने के कारण ये एक जगह रह सकते हैं। ऐसे हम कोई भी मिट्टी के बनाएंगे तो वो रह नहीं सकेंगे, टूट फट जाएंगे। मेरा नाम रितेश है, मैं 8 साल पहले आया था और इधर ही मैंने 2-3 साल पहले मुझे मेरे नाना कहा करते थे कि मुझे भी दिया बनाना सीखना है, तो तभी से मैं कोशिश करता था और अभी तक मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, पर मुझसे बन तो जाता ही है, एक साइज का नहीं बन पाता या फिर कभी कभी कुछ से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मगर फिर भी मैं बना लेता हूँ। ये हम अब लोग घरे में सीख जाते हैं, हम लोग 40 साल से घरे में सीख जाते हैं, सिखाना नहीं पड़ता। जैसे हमारा अभी नाती सीख रहा था ना, अभी वो तो सीख जाएगा 6 महीने। उसके बाद प्याली बन जाता है, फिर सुखाते हैं उसको धीरे धीरे, सुखा करके फिर रखते हैं, रख करके फिर जो जमा हो जाता है 4,000-5,000 जैसे हुआ, उसके बाद फिर धूप उगता है तो उसको गर्माते हैं। दिवाली में हम लोग बहुत सारे सामान बनाते हैं, बच्चों के खेलने की, और फिर पूजा करने की, ये
जैसे हम लोग बनाते बच्चा वगैरह का चौघड़ा हो गया, जाता हो गया, कमंडल हो गया और कुड़वा कुड़िया भरने वाला हो गया, ये सब बनाते हैं। आम दिन भी हमारे घर में दिया लेने बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब हम लोगों का पैसा ही यही है। हम लोग और कोई अदर काम नहीं करते, फिर हम लोग बड़े होकर भले ही अदर काम करें मगर हमारा पैसा तो यही रहेगा, इसलिए हमें कुम्हारी कहा जाता है। जैसे ही दिवाली खत्म होगा हम प्याली बनाना शुरू करेंगे। ठंडी में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस समय ज्यादा धूप नहीं हो पाता, और गर्मी में हमारा सबसे ज्यादा फायदा होता है। भले ही हम थोड़ा कष्ट सहते हैं मगर फिर भी हम अपनी पूरी मेहनत और लगन से हमारा पैसा और हमारा काम बनाए रखते हैं। तो बना धूप धूप रमसवार है, धूप कड़ा करता है तो एक रोज में सूख जाता है, और नहीं तब तो अब जैसे ठंडा के दिन आ गया जनवरी फरवरी इसी में ठंडा दिन में चार रोज में तीन रोज में सूखता है, सुखा सुखा के रखते हैं फिर वही 4,000-5,000 होता है तो फिर पका लेते हैं, और ढेर जो नहीं गर्म होता है तो भट्टा में आधा आधी चूर हो जाता, फूट जाता है। जलावन भी खरीदने पड़ता है, जैसे पुआल हुआ, गोइठा हुआ, आपका कोयला हुआ, सबको खरीद करके भट्टी लगाते हैं। हफ्ता में मैंने 5 दिन 6 दिन एक हफ्ता के अंदर भट्टी लग जाता है। पहले जो खपड़ा का ठीकन रहता है वो बिछाते हैं, उसके बाद फिर गोइठा देते हैं, गोइठा पर नरुआ लेवाड़ी देते हैं, उसके बाद कोयला देते हैं, तब उसके बाद प्याली बोझते हैं उस पर। धीरे धीरे कोयला छिटते जाते हैं। बाद लास्ट में आघिन देते हैं, रात भर में वो तैयार हो जाता है पक करके। हमारे पकाने के बाद जो भस्म यानी कि राख निकलता है उसे भी हम लोग मिट्टी में मिला देते हैं, और वो भी अभी भी बहुत फायदा करता है, वो पेड़ पौधों के लिए बहुत फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि वो भुरभुरा होता है, उसके अंदर ब्लैंक्स होते हैं, स्पेस होते हैं, तो उनमें उनकी जड़ अच्छे से फैल पाती है, इसलिए मिट्टी का बहुत सा अच्छे यूज है। मिट्टी के बर्तन की ये खासियत होती है कि अगर हम स्टील के बर्तन में बनाते हैं और उसके अलावा अगर हम मिट्टी के बर्तन में कुछ बनाते हैं
तो वो स्टील के बर्तन से 10 गुना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मिट्टी का बर्तन प्राकृतिक होता है, इसलिए वो ज्यादा फायदा भी करता है। आप दही जमाइए ना उस पर शीशा में और मिट्टी में, उसमें पानी टानते हैं, दूध में जो पानी जाए ना उतना नहीं ले जाए, ये माल ले जाए सटी है। इसलिए लोग चाय बनाते स्टील के बर्तन में, मगर पीते अगर मिट्टी के बर्तन में है तो उनको ज़्यादा अच्छा स्वाद लगता है, इसलिए अभी भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि हम मिट्टी के भाड़ में ही, मिट्टी के कप में ही पिए चाय। तो सब आदमी भाड़ वाला चाय नहीं रखता है, पैसा देना पड़ता है 1 टका। मार्केट में देखिए, मार्केट में जो अपने आके ले जाता है, जो नया आता है तो उसको यहाँ से भेजना पड़ता है टोटो करके या रिक्शा करके, आदमी उसके साथ भेजना पड़ता है पहुँचाने के लिए। एक सोच से सोचा जाए तो इंसान और मिट्टी बराबर होते हैं, बराबर ही होते हैं। हम पहले मिट्टी को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद उसी से एक कलाकृति कर सामान बनाते हैं और वापस उसके यूज होकर उसे भी मिट्टी में जाना होता है, और इंसान भी वहीं से निकलता है और आगे चलकर मार खाता है, पीटता है, फिर एक दिन बड़ा आदमी बनता है और जाकर मिट्टी में ही मिल जाता है। धर्म हिंदू या मुसलमान कोई भी जात रहे, मिट्टी का जो है ना सब धर्म एक के ही मट्टी है। मट्टी मतलब सबके लिए मट्टी, सबको मट्टी ही जाना है, मट्टी का भी हर चीज बनता है, सब चीज करता है। इसलिए मिट्टी की महानता को इंसान को सोचना चाहिए। मिट्टी इतनी महान है जिसके कारण जीवन संभव है। अगर मिट्टी ना हो तो हम लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? मिट्टी पर ही तो जल बहता है जो कि स्वच्छ होता है। अगर हम पत्थर पर बहाए तो गंदगी पड़ गई तो पत्थर सोख नहीं पाएगा। इसलिए मिट्टी की महानता को सभी लोग समझें।